जय भीम देश देखेगा। मैं जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग है ना, ये देखते रह जाएंगे। जय भीम। रत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। देख रहे हैं आप? जी जी, ये बाबा साहब को सरोवर है हम। हाँ हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट में। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर जी हमारे देश में होते ना तो उन्होंने सूर्य की तरफ अनिल खत्म हो गई है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है। हेलो, फ्लैट के लिए बात हुई थी ना? हाँ जी जी, तो मैं आ गया आपकी दुकान पे। आ जाइए। और शर्मा जी नमस्कार, बढ़िया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बढ़िया, आप ठीक? बस शर्मा जी, वो एक फ्लैट के लिए बात हुई थी मुझे, 2 BHK से। जी जी, मिल जाएगा? मिल जाएगा जी। हाँ जी हाँ जी। और मेरी रेंज है 15,000 से 20,000 के बीच में, मिल जाए? ठीक है। तो है आपके पास कोई? हाँ, किसी अपार्टमेंट में हो? अच्छा एरिया, अच्छा दिवाएंगे, सुंदर दिवाएंगे। बट शर्मा जी, एक दिक्कत बड़ी आ रही है मेरे साथ। मुझे 6 महीने हो गए इस एरिया में, पूरे मैं अपार्टमेंट में घूमते घूमते। अच्छा, अच्छा, और मुझे फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। उसका कारण पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। ये देख रहे हैं आप? जी जी, ये बाबा साहब के सरोवर है हम। हाँ हाँ। और जब मैं इनका नाम बताता हूँ तो मुझे लोग फ्लैट नहीं। अपने दम पे बन के काबिल, स्कॉलरशिप करके तू हासिल, फिर पढ़ लिख आया लौट कर, 32 उपाधियों का मालिक, 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता। ये मेरे गाड़ी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की स्टैचू लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ जी, क्योंकि इन्होंने देश के लिए हमारे इतना किया है, देश का संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार दिलाए, जो गरीब लोग उनको अधिकार दिलाए। आपको तो, आप तो पढ़े लिखे हैं, हर तरह का आदमी आता, आपको तो नॉलेज है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाद में जब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, मेरी कंडीशन है इसमें। अच्छा। कंडीशन ये है मेरी कि भाई जिस घर में मैं रहूंगा, जब मैं इनको फॉलो करता हूँ तो इनकी स्टैचू, इनकी तस्वीर भी लगाऊंगा अपने घर में, तो वो इसी बात पे पहले हाँ कर देते हैं, फिर बाद में मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो विचारधारा गलत होगी उनकी ना, कि ऐसा कुछ नहीं है आपको, क्योंकि जो पूरे देश में जो जातिवाद का जहर है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अछूत तो अम्बेडकर के नाम से ही लोग अछूत समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जमाना था, वो था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं शर्मा जी, जमाना नहीं, मैं तो अभी की बात करता हूँ। 6 फ्लैट वालों ने मना कर दिया मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गलत सोच है। तो शर्मा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप देखें उनको, ये ओनर को आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा पॉइंट। ठीक है कि भाई जो आदमी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, जिनको रहना है, वो पूरे अम्बेडकर वादी और अम्बेडकर की स्टैचू रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में 11 महीने का एग्रीमेंट हो जाए, अगले महीने फिर बोला खाली कर दो, ये देख करके, बाबा साहब की स्टैचू देख करके, फिर हम फैमिली को लेकर कहाँ जाएंगे। सही है, क्लियर बताना आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, फिर हो तो बताइएगा आप, मैं आ जाऊंगा, एक बार दिखा दीजिए कुछ। ठीक है, शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, वो फ्लैट के लिए बात हुई थी ना, बस मैं निकल रहा हूँ घर से अभी, और आपके पास पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, तो जरा फ्लैट दिखा दो वाला। अच्छा हाँ हाँ, आप आ जाइए, बहुत सुंदर फ्लैट देखा हुआ है। हाँ, वो अच्छा अपार्टमेंट है। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हेलो शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, जो फ्लैट दिखाया था आपने, क्या हुआ उसका? समझे क्या बताएं, जो आपने कहा था ना, वही चीज सेम नजर आया मेरे को। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था शर्मा जी, इस देश में जो ये जातिवाद है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक एक आतंकवाद है। मैं पिछले 6 महीने से घर ढूंढते ढूंढते तंग आ गया हूँ,
जैसे ही हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि हम उनके फॉलोवर हैं, उनकी स्टैचू लगाएंगे या बुद्ध की स्टैचू लगाएंगे, मुझे इससे पहले कम से कम नहीं तो 6 महीने वो घूमते हुए और 5-6 लोग मना कर चुके हैं। आपकी बात जो है जी, हमारा तो भाग दौड़ वो मतलब सब बेकार सी ये करके, मैंने तो काफी रिक्वेस्ट करी थी मैंने उनको जी, मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन अब वो क्या बताएं, कुछ बुद्धि इस तरह है कुछ लोगों की, गंदी सोच है। ठीक है शर्मा जी, आप तो खुद ही बोल रहे थे कि नहीं अब ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, मैं आपको फ्लैट लाऊंगा बढ़िया और अच्छे लोगों के यहाँ पे आपको रखवाता हूँ, और देखो फिर वही आप बता रहे हो, वही हुआ रिजल्ट। चलो कोई और हो तो देखना फिर शर्मा जी, बताना आगे मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, जो धर्म बताए जात तेरी तुझको वो धर्म नभाता, किताब किन से बात हो गई है ना, हम इससे पहले 5-6 घर देख चुके हैं, और जब हम ये बात कहते हैं उनसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के फूल हो रहे हैं और बुद्ध के फूल हो रहे हैं हमारे घर में स्टैचू है, ये तो वो डायरेक्टली मना नहीं करते, इनडायरेक्टली कह देते हैं नहीं हमें और कोई ज्यादा किराया देने वाला दिख रहा है, तो ये पॉइंट आपने क्लियर किया है कि नहीं? हाँ मैंने सब क्लियर किया हुआ है, मैंने उनको बोला हुआ है ये, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई परेशानी नहीं है कि आप लेके आ जाओ। जब मैं ये बात किसी भी डीलर को जाकर के या जो घर देखते हैं उनको बताते हैं कि भाई हमारी कंडीशन ये, हमारे घर में स्टैचू रहेगी, तो वो हमें इनडायरेक्टली मना कर देते हैं घर के लिए। अब इसमें ऐसा क्या है मुझे समझ नहीं आता। जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया इसके बारे में जी, और उन्होंने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आ जाइए और घर दिखाइए। ओके ठीक है, फिर घर देखते हैं। आप देख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस हो जाएगा जो भी करना जी। और ये जो आपको थोड़ा समय है
परेशान हो चुके हैं मुझे ना बहुत पसंद है वीडियो तो बड़े दिल से बना और मैं भी परिचय भी दे सकता हूँ मैं भी परिचय लेना चाहती हूँ आपको भी परिचय मिल जाएगा मुझे थोड़ी है सर घर को अच्छा है मेरी जो समस्या और एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में ये है कि हम और हमारी फैमिली पूरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटो हम घर में अपने में उनका स्टैचू और बुद्ध का स्टैचू क्योंकि मैं बुद्धिस्ट भी हूँ वो हम लगाते हैं। सुनो भीमराव की कहानी कुछ ऐसे थे अभिमानी सुनो भीमराव की कहानी कुछ ऐसे थे अभिमानी और उससे पहले हमने जितने भी घर देखे हैं 5-6 लीलों के फोटो देख चुके हैं शर्मा जी थे उन्होंने भी कह दिया था जी हाँ तो कोई डायरेक्टली तो मना करता नहीं तो पता नहीं लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है जबकि उन्होंने तो आप तो जानते हैं नाम भी सुना हुआ अपने उन्होंने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पुअर सेक्शन और फीमेल्स को इक्वलिटी की राइट्स दिए सबको सारे धर्म को बराबर का सम्मान दिया फिर वो जब मैं ये बात उनको बता देता हूँ तो कोई भी ऑनर मुझे घर देने के तैयार मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ और लास्ट में आकर के वो इनडायरेक्टली मना कर दिया मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तो इज्जत करता हूँ बाकी फैमिली से एक बार बात करते अच्छा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं मेरा अकेले का डिसीजन तो है देखिए घर तो आपका है फैमिली तो उसका पड़ेगा नहीं ठीक है सर मुझे भी डाउट हुआ है कि अगर पॉजिटिव हो रहा है हां मैं एक तरफ से तो कोई और नुकसान है तो ज्यादा किसी के ज्यादा के देख देख करके वो रो रहा है तो फिर मैं तो सबको बता दीजिएगा सबको सब को मैं बता देंगे मैं और क्या टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा मैं इसे अपनी बाकी तरह का हां जी मैं बहुत साफ सफाई से और व्यस्त रहती हूं टेंशन का नहीं जी बिल्कुल आप निराशा नहीं होगी जैसे हम सब पीछे होते हैं
अम्बेडकर गौतम, आपने बताया नहीं मकान कि आप ऐसी हो। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा, बढ़ता रहा बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिसता रहा। आप ऐसे हो, आपको क्या प्रॉब्लम? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने का मतलब ऐसी से नहीं होता है, समझा? और अगर ऐसा है, तुम्हें ऐसा फीलिंग है तुम्हारी, तो मैं बताता हूँ एससी की ताकत और बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश को दिया है। अभी 2 नंबर पर फोन करता हूँ और एससी एसटी केस में 6 महीने के अंदर चेंज आवर, 6 महीने से पहले जमानत नहीं होने की। जो आपके बस में है आप करिए, लेकिन अगले महीने मेरा मकान खाली है। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया, शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। कैसे कैसे लोगों को मकान दे दिया आपने? अरे भूल गए यार, आज भी तो देखने गए ना, तुम परेशान हो रही हो। मकान देखने गए? आपने देखा नहीं पहले सब कुछ फाइनल था, तो डीलर गया तो सब कुछ फाइनल था, और अचानक से कहने लगे कि हम अपनी फैमिली मेंबर से बात करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं हमारी गलती क्या है, क्यों लोग हमें इस तरह से नीचे निगाह से, इस तरह से गिरी हुई नजरों से देखते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ पा रही हूँ कि आप बाबा साहब अंबेडकर जी को बोलते हैं, आखिर हमारी गलती क्या है? उन्होंने तो कितना कुछ किया हमारे खिलाफ देश के, बताइए परेशान क्यों हो गए? अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा था कि अगर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश में होते ना, तो हमने सूर्य की तरह पूछा। चमका तू बनके ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा, डमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा। मैं समझ सकता हूँ, मैं पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता कई जगह हम होकर आ गए, और आज तो उम्मीद है कि आज जो बात हुई है ये हमें देख लेंगे, कौन पर प्लीज। हाँ आप परेशान मत, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मना ही करेंगे, देखिएगा तो मेरी उम्मीद ही टूट गई। अरे हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ये मुझे लग रहा है अच्छे आदमी थे, कह नहीं रहे थे वो कि हम इन बातों को नहीं मानते। आप परेशान मत हो, मैं सब भूल रहा हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, और जिन लोगों का भी हम देख कर आए ना घर, ये लोग फिर भी अच्छे लग रहे थे, थोड़ा बोल रहे थे कि नई चीजों को नहीं मानता। नहीं डायरेक्टली ना बोल के, इनडायरेक्टली बोल दिया उन्होंने, मना ही कर। Thank you.
क्या कर रही है? आपने मुझे क्यों क्यों बचा लिया? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। पता है आपको यहाँ पे मैं जातिवाद से इतना परेशान हो गया हूँ, ये जातिवादी जो आते हैं कहना साला। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू, तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू, थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में, तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। मेरा घर पूरा खराब कर दिया है इसने, लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। मेरी बीवी मुझे घर छोड़ से जाने क्या किराए का घर नहीं मिलता है, खाली इसलिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, ऐसे देश में किसने जीना? आपने क्यों बताया मुझे? लेकिन सुसाइड समाधान नहीं है, तो आप बताइए मैं क्या करूँ? आप पूरा देश देखेगा मैं इस जातिवादी आतंक के खिलाफ ऐसी सेना खड़ा करूंगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये देखते रह जाएंगे। मैं इस देश के अंदर जातिवाद से को छुटकारा दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। और अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाबा साहब ने लोगों को न्याय दिलाया। तो मैं एक गलत कदम उठाने चला था तो इन भाइयों ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं इस आतंकवाद से, इस मनुवादियों से बदला जरूर लूंगा। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो, कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो, भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम जय भारत जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।